आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला डीसी कॉलोनी के ग्राउंड में, जहां पे फुटबॉल का 12वां टूर्नामेंट मुनक्किद करवाया जा रहा है हाफिज ज़कौल्ला की ज़ेरे निगरानी। तो इस सिलसिले में हम उनसे गुफ्तगु करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज यहां जो मैच मुनक्किद करवाया है डीसी कॉलोनी के ग्राउंड में, तो क्या सोच क्या के तहत आपने ये मुनक्किद करवाया है, क्या था आपके माइंड में यहाँ पे मैच करवाया गया और ये 12वां सालाना है माशाल्लाह? जी जी, ये 12वां सालाना डीसी कॉलोनी फुटबॉल टूर्नामेंट है और यहाँ मैं डीसी कॉलोनी जो फुटबॉल क्लब है इसको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये हर साल ऐसा इवेंट जो है वो मुंतखब करते हैं जिससे नौजवानों को खेलने का मौका मिलता है और सेहतमंद तफरी जो है वो सारे दोस्तों को और इलाके के लोगों को मिलती है। क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन गुजरांवाला का और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन का, जो हाल में हमारे इलेक्शन हुए हैं, तो हमारा ये एम है कि हम फुटबॉल को आलमी सतह पर इंशाल्लाह ताला इसको नौजवानों को आलमी सतह पर मुतारफ़ करवाएँ और वही एम लेके हम ग्राउंड पर और जो हमारे ग्रास रूट में बच्चों को हम ऊपर लेके जा रहे हैं उसी हवाले से ये डीसी कॉलोनी में भी फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा टूर्नामेंट है जिसमें ये 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट जा रहा है। मैं सारी टूर्नामेंट कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका इंतज़ाम किया। जो आप मुनक्किद करवाते हैं इतना खूबसूरत प्यारा इंतज़ाम सारा, ये आप खुद करते हैं या गवर्नमेंट आपको इसके लिए कोई फंडिंग करती है, कोई रजीम है, क्या है इसका? नहीं, इसमें गवर्नमेंट तो हमें कोई नहीं करती, फंडिंग नहीं करती, ना इसमें कोई ऐसा रजीम है। ये लोग दोस्त अपने खुद से ही अपने सेल्फ के हिसाब से ही ये मुनक्किद करवाते हैं और सारा खर्चा जो है ये खुद ही करते हैं और ये 12 साल से मुनक्किद करवा रहे हैं या खुद अपनी मदद आपके तहत ही। इसमें हम गुजरांवाला में डिस्ट्रिक्ट के हवाले से इनको जो चीज़ें हैं वो मुहैया कर देते हैं, फुटबॉल वगैरह और दूसरी चीज़ें, इसके अलावा ये टोटल जो है वो खुद अपना ही खर्चा करते हैं। ये कि इस हवाले से आप आने वाले वक्त में क्या देखते हैं कि इसके हमें क्या फ़ायदे हैं नेशन वाइड फुटबॉल को, हम जो ये आप अप्रोच दे रहे हैं इतने लोग बच्चों को जैसे ग्राउंड मुहैया की, इनको यूनिफॉर्म फुटबॉल मुहैया किए, तो ये नेशनल वाइड कोई कारकर्दगी हमें दिखाएंगे? इंशाल्लाह ताला ये नौजवान ग्रास रूट से निकलेंगे और इंशाल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, फिर डिवीज़न की सतह पर, फिर पंजाब की सतह पर, सूबे की सतह पर, उसके बाद फिर ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी अंडर 17 जो फुटबॉल टीम है वो नेपाल में खेल रही है और वहाँ उन्होंने कल अपना मैच भी 1-0 से जीता है, तो ये नौजवानों का फुटबॉल में बहुत रोशन मुस्तकबिल है। तो हम इसी हिसाब से ये काम कर रहे हैं कि नौजवानों को हम अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अप्लाइज करके डिवीज़न के ऊपर लेके आएँ, फिर प्रोफेशनल, और उसके बाद हम इनको मुल्क की सतह पर इनको खेलने का मौका मिले ताकि पाकिस्तान अपना जो खोया हुआ मुकाम है फुटबॉल में वो हासिल कर सकें। माशाल्लाह आज इसका नाम पहला क्वार्टर फाइनल हुआ है, तो मुकम्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सेमीफाइनल की लिस्ट है तो बहुत कामयाबी से ये DFA गुजरांवाला के ज़ेरे एहतमाम जो टूर्नामेंट हो रहा था डीसी कॉलोनी में, ये 12वां सालाना टूर्नामेंट है, तो अल्लाह का खास करम है जी गुजरांवाला पे, डीसी कॉलोनी पे, कि इतना अच्छा इवेंट इन हालात में वो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो हम इनको ना मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके अलावा मैं एक अर्ली अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब एसोसिएशन का इलेक्शन हमारे जो DFA के प्रेसिडेंट है हाफिज़ ज़कौल्ला ज़ुबैर साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मार्जिन से उन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का जो इंतखाब था वो विन किया है, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाल्लाह उनसे तवक्को करते हैं कि वो फुटबॉल की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह गुजरांवाला में शब रोज़ काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। डीसी कॉलोनी जो है ना पिछले 12 साल से करवा रही है और ज़बरदस्त इवेंट करवाते हैं और इसको जो है ना चांद चांद लग जाते हैं जब प्लेयर खेलते हैं, खेलने के बाद इंजॉय करते हैं। हमारा मिशन ही यही है कि हम लोग जो है ना इसको प्रमोट करें और इसको जो है ना पूरे पाकिस्तान में खिलाएं, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, हाफिज़ साहब की बड़ी काबिश है, उनके साथ हम मिल के जो है शाना बशाना खड़े होके इंशाल्लाह इसको जो है ना बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो विन किया है, हाफिज़ साहब ने विन किया है, तो हम उनके साथ हैं, दिल से साथ हैं। जी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो DC कॉलोनी हमारे साथ
चल रही है, हमारे डीएफए उसके के साथ चल रही है। ये इनके पास बड़ा अच्छा ग्राउंड है और बड़े अच्छे प्लेयर हैं और पिछले 12 साल से ऐसे यहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है और इनकी जो मैनेजमेंट है उसको इकट्ठा ग्राउंड से धन्यवाद पेश करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो खड़े हैं होटल में हमारे दावला साहब, ये हमारे डीएफए प्रेजिडेंट भी हैं और इसके साथ रिसेंटली इन्होंने ना ये पंजाब लेवल का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी विन किया और इनकी इंशाल्लाह इनकी जेरे क्यादत जो है ना वो तमाम सफाई काम करेंगे और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर पाकिस्तान लेवल तक इंशाल्लाह बेहतरीन जो है फुटबॉल वो देखने को मिलेगा और मुस्तहिक लोग जो होंगे और जो टैलेंट है ना इंशाल्लाह हिडन टैलेंट जो है ना बच्चों के अंदर वो छुपा वो इंशाल्लाह सामने आएगा। और हम ये चाहते ये हैं, हमारा एम और मिशन ये है कि हस्पताल जो है वीरान हो और ग्राउंड जो है ना आबाद हों और जब बच्चे यहाँ पे खेलेंगे और जो है ना वो अपने लोहा मनवाएंगे ग्राउंड के अंदर तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जो पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है ना वो बेहतरीन टीमों में से ना एक होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं बड़ी तादाद में, नौजवान, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब आए हुए हैं, क्राउड मौजूद है जो देख रहे हैं, उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं, मेरा पैगाम उनके लिए यही है कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करें और खेल के वक्त खेल करें, कम से कम एक घंटा डेढ़ घंटा उनको मिलना चाहिए कि ताकि उनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है ना वो सामने आए और उसके बाद एक रिलैक्सेशन बच्चों को मिल जाती है और जो देखने वाले होते हैं ना उनको भी पता चल जाता है कि वो उनके लिए एक रिलैक्सेशन का माहौल होता है और उनकी जो है ना वाक हो जाती है और जो है ना वो बहुत सारी जो एंगजाइटीज़ हैं उससे बंदा छुटकारा हासिल कर सकता है। और इसलिए यहाँ पर आना मैं समझता हूँ कि बंदा ना भी खेलने काबिल हो वो देख ही लेना तो काम कुछ नहीं, जो ग्रीन ग्रास है ना वो ही हमारे बॉडी को बड़ा इफेक्ट जो है ना पॉजिटिव इफेक्ट डालती है तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा मौका होता है देखने वाला। बहुत शुक्रिया जी।